आलूवालिया मेरे साथी विक्की वडेरा जी, अब जैसी पहुंचे हैं शहर के सुभाष बाजार के रूपम सिल्क स्टोर के उत्ते, जिते कि आप देखा वै जब आन लॉकडाउन शुरू होया वै बाजार है व्यापार से कम अपनी रफ्तार के वल वध्या कि नहीं वध्या, आप इन्हां दे मालक तो जानते हैं जिहड़े इत्थे दे मालक ने ओमी जी शहर के मन्ने परमन्ने सोशल वर्कर भी ने, तो शहर के जब जब किसी चीज़ की लोड़ हुंदी है जां किसी लोड़वंद बंदे नूं जरूरत हुंदी है वो अपनी पूरी इनपुट देंदे ने। आओ गल करदे हां कि प्रशासन द्वारा जो जिहड़ियां गाइडलाइनां शुरू कीतियां ने उहदे नाल व्यापार दे उत्ते की असर है ते आने वाले टाइम दे विच भविख च व्यापार ते की असर पाऊगा। पहलां तां सर वैलकम साडे चैनल ते। मैं बहुत थैंक्स करदा वडेरा जी दा ते भाजिया साहब तुहाडा, तुसीं इत्थे एफर्ट्स कीतियां आन दी साडियां समस्याएं जिहड़ियां तुसीं उपर तक पहुंचाउण दी कोशिश कर रहे हो। कारण यह है भी जिहड़ा कल असी यह सानू MLA साहब नाल साडी गल होई, उन्हां नूं असी पुछिया भी असी यह दुकाना संडे जिहड़ी है पोजिशन की है, सानू क्लीयर नहीं हो रही। MLA साहब ने कहा मेरी रिस्पोंसिबिलिटी है तुसीं शॉप्स खोलो सारियां अपनी, उन्हां दी एफर्ट्स नाल असी सारी अपनी जिहड़ी है मार्केट नूं ओपन कीता है। क्योंकि जदों दा यह COVID-19 चलिया है व्यापार तां बड़े स्लो ने, लेकिन असी यह जिहड़ा संडे नूं है असी थोड़ा जिहा मार्केट नूं खोल के जो भी है कस्टमर की एंट्री तो बिल्कुल कटी हुई है, क्योंकि मार्केट के बहुत इफेक्ट पे है इस चीज़ का। फिर भी असं MLA साहब के थैंक्स करते हैं, उन्होंने प्रॉपर सिस्टम इनू फॉलो करके सानू एजुकेट करके भी तुम इन्हों मार्केट को खोलें, असी मुताबक इनू मार्केट को खोले, थैंक्स करते हैं MLA साहब का, उन्होंने बहुत अच्छा यह स्टैप लिया। ओमी जी एक गल होर, आप देखा वै कि जब दियां सरकार दियां गाइडलाइनस अनलॉकडाउन लैके आ रही ने, व्यापार है हौली हौली अपनी पटड़ी के उत्ते आ रहा है, तो थोड़े हिसाब नाल उत्तों त्यौहारां दा सीजन भी स्टार्ट हो रहा है, थोड़े हिसाब नाल भविख्य दे विच कद तक है जिहड़ा व्यापार अपनी पूरी लीह ते आ जाऊगा? कुछ नहीं कह सकते जी, हालात जिहड़े है दिन तों दिन बदतर हो रहे हैं, क्योंकि जिहड़े केसिस है बहुत वधदे पए, उहदे विच कुछ नहीं लगता क्योंकि अगों कोई चानना दिख नहीं रहा मार्केट के, क्योंकि अज कस्टमर है वह भी डरिया होया है, क्योंकि उस है भी जी ट्रांसपोर्टेशन है आने वाले व्हीकल्स का है वो कस्टमर नू एक आने वाले कोई टाइम ही नहीं है रिस्पोंस ही नहीं। लो जी हुण असीं पहुंचे अमन कलैक्शन विखे, जिहड़ा कि सर प्रशासन ने पिछे जे सद्दा दिता वै कि त्यौहारां दा सीजन चल रहा वै, कि ऐतवार नूं भी आम रूटीन वांगू शॉप्स खुल्लणगियां, स्पैशली साडे MLA साहब ने प्रशासन ने अपने वल्लों कोशिश की है कि जिहड़े लॉकडाउन दे विच मजबूरी दिक्कतां नाल व्यापारी जूझ रहे सी, अपने वल्लों उन्हां नूं इक सहूलत दित्ती गई है, इहदे बारे की कहना चाहोगे? मैं सब तो पहलां प्रशासन दा, MLA साहब दा, SDM साहब दा ते होर जिन्ने भी प्रशासन दे सहयोगी अफसर ने मैं उन्हों का धन्यवाद करता कि उन्होंने साडे दुकानदार भरावां यह छोड़ दिती है, लेकिन मैं इस दे उल्ट यह भी रिग्रेट करता कि जिहड़ी छोड़ दिती गई है लेट दिती गई है, जिहदे करके दुकानदार भी अपना अरेंजमेंट नहीं कर सके साइकल लई, असीं अपने कस्टमर नूं जां साडा कस्टमर है जां लोकां दा कस्टमर है वह गुमराह हो गया, उन्हां नूं यह सब नूं यह पता सी कि संडे नूं बाजार बंद है, इस लई असीं परचेजिंग करन नहीं आ सकते जां नहीं जावांगे, लेकिन एट दी स्पॉट डिसीजन लैण दे नाल ये मैसेज जिहड़ा है वह सारे कस्टमर नूं नहीं पहुँचिया, जिस कारण खन्ने शहर के आम शॉपकीपर है जिहड़े सारे वेले बैठे ने और सारे हाथ हाथ धर के बैठे ने, अपने इंपलाइज के नाल बैठे ने और किसी भी दुकान पर कोई गाहक नहीं, और ये दुकानदार का बहुत वड्डा लॉस है। मैं प्रशासन नूं MLA साहब नूं होर जिन्हें भी साढ़े इस नाल जॉइंट अफसर ने, मेरी उन्हां वल्लों एक शॉपकीपर होने के नाते, दुकानदार होने के नाते, शहरी होने के नाते, पार्टी वर्कर होने के नाते मैं उन्होंने बेनती करदा कि यह जहाँ जो डिसीजन कोई देना हो चाहे वह बंद का चाहे खोलन का वो दो तीन दिन पहला जरूर दिता जाए, ताकि इसकी अनाउंसमेंट है जाने खन्ने शहर ने कस्टमर ने आने वाले चाहे वह किसी भी वस्तु के ने वो इतने पहुँच सकन। सर जिमें कि आप देखा वे बाकी बहुत दिक्कत आई हैं, थोड़ी बहुत अच्छी गल है कि जोड़ा यह डिसीजन है बहुत पहला लै लेना चाहिए सी, ताकि दुकानदार होर यह चीज़ में ईजीली लै सकते। असीं तुहाडी वड्डे वड्डे शोरूम वाले नाल गल कराई, उत्थे जिहड़े कि सड़क के उत्ते अपनी दिनचर्या चलाउंदे ने, आओ उन्हां नाल भी गल करते हैं। मुकेश जी पहले भी आप यहाँ पे काम करते थे, जैसे कि पिछले से काफ़ी लंबे समय से लॉकडाउन रहा, उसमें क्या फ़र्क पड़ा और अब जब प्रशासन ने इस चीज़ की छूट दी है, कल से त्यौहार सीजन शुरू हो रहे हैं कि ऐतवार को भी आप काम कर सकते हो, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर ये है कि अगर सर ने हमको छूट दी है तो इससे है ना गरीब आदमी की रोजी रोटी चल रही है, अच्छी बात है, और थोड़ा सा फर्क पड़ा है पहले से काम पर जैसे गुड़िया बैठी है, बच्चे आप देखा वै कि कल तो त्यौहार शुरू हो रहा वै,
सब तो पहला त्यौहार है तो वो बारे जिमें कि अब संडे है नहीं पहला तो लॉकडाउन वर्किंग डे भी बंद से हूँ संडे भी वर्क हो रहा है ये बारे बच्चे प्रशासन बारे की कहना चाहोगे। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि प्रशासन ने संडे को ओपन कर दिया क्योंकि पहले तो बिल्कुल ही लॉकडाउन था और बड़ी मुश्किल आती थी संडेज में, पर अब फेस्टिव सीजन ऑन हो गया तो शायद इसलिए हमारे को हेल्पफुल हो गया थोड़ा। थैंक यू। जिमें कि आप देखा व्डे तो व्डे दुकानदार छोटे तो छोटे जेडे कि अपना रोज़ दिनचर्या चलाते थे आओ हम थोड़ी मुलाकात कराने रेमंड के मालिक साढ़े भाई साहब उदो नाम प्यारे लाल यूनिट वाले। थैंक यू। आप सर देखा वै कि बहुत लंबा दौर है जो लॉकडाउन का कटिया उस तो बाद हौली हौली अनलॉकडाउन शुरू होया हूँ त्यौहारों का सीजन स्टार्ट हो जा रहा है तो सरकार वालों कुछ हदायतों के नाल जिहड़ियां छूटां दी फेयरेस्ट है वो लंबी होंगी जा रही है तुम इस लैके की कहना चाहोगे? सर गल पता की है सरकार ठीक है लॉकडाउन खोल रही है इस टाइम मार्केट तुम देखो कि त्यौहार है कल फंक्शन त्यौहार होने के बाद सुनम सान पी है मंदा बहुत ज़्यादा है ठीक है हिदायत है पर हिदायत ना के बावजूद भी जी बीमारी है बधी जा रही है जी ये लॉकडाउन चलाया सी पहला उस टाइम लोड़ सी पर लॉकडाउन नहीं हो रहे पर कुछ जे आउट ऑफ स्टेट आ रहे बंदे उही बीमारी फैला रहे जिन्ने तक तुसी बंद नहीं करती हैगी सरकार स्टेटा का दूजा बंदा आने उन्हें बीमारी नहीं कर सकती। दूजे नंबर पर जे हुण सरकार खोल रही है कुछ फैसिलिटियां भी दे व्यापारियों वो है नहीं तो जिमें सर आप देखिए ठीक है थोड़ी गल भी ठीक है भी जेडे माइग्रेंट्स आते हैं उन्होंने तादाद के बीमारी भी आती है बट गवर्नमेंट है प्रशासन है अपने लैवल के उत्ते जेडे स्टैप चक रही है तुम तो सैटिस्फाइड हो? बिल्कुल साढ़े खन्ने के एम एल ए साहब बहुत ही वधिया काम कर रहे हैं लोग जा रहे हैं पुछ रहे हैं सब तो वड्डी गल यही है जी नहीं तो कोई एम एल ए जाता नहीं किसी को पुछने लिए वो आते हैं मार्केट भी दो तीन बार आए देखे हैं अगे गल भी रखते हैं हम जिमें अच्छ पहला कहते बंद करना है लोग बाजार वाले गए एम एल ए को साहब हो गए हाँ जी नहीं खिलाओ कह चलो ठीक है खुलवाता एक एम खन्ने का ही एम एल ए जे अपने है जे इस टाइम बाजार लोगों फिर रहे हैं मैं बाकी देख रहा कोई भी एम एल ए किसी को जाता नहीं पाया इस गल शुक्रिया असं एम एल ए साहब का करना चाहते कि वह आ रहे हैं। थोड़ी मुलाकात कराने शहर के मन्ने परमन्ने सेडा ज्वैलर से जिते कि उन्होंने सेडा साहब तो है नहीं गए बट उन्होंने बेटा जी बैठे ने सर जिम्मे कि सरकार वालों नवी गाइडलाइन जारी कर दी गई ने तो त्यौहारों के सीजन मद्देनजर रख के जो डिसीजन लिता ये बारे की कहना चाहोगे? सब तो पहले ही मैं थोड़ा स्वागत करता तो जोड़ा कि तुम कह रहे हो कि जोड़ा बाजार खोलन का वो सरदार गुरकीर सिंह कोटली एम एल ए साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा उन्होंने कहते सारा बाजार खुलिया और उस जोड़ा एक रखड़ी के त्यौहार देखते दे हुए उन्होंने सानू संडे बाजार भी दुकाना खोलन का जोड़ा सानू मौका दिता तो उस असी बहुत बहुत धन्यवादी एम एल ए साहब के और प्रशासनिक अधिकारियों के जिन्होंने सानू इस मतलब कर चलो बाजार खुलन का कुछ हो सकता। हूँ असी पहुंचे हैं शाम मल्होत्रा जी दे कोल जिहड़ा कि शाम दुपट्टा हाउस शहर की सब तो मन्नी परमन्नी पुरानी दुकान है। सर आप जिम्मे देखा कि लॉकडाउन तो बाद जिहड़ा व्यापार है हजे अपनी रफ्तार नाल नहीं चलिया है प्रशासन अपने वालों जोर ला रहा है प्रशासनिक अधिकारी उपर सरकार जो वो अपने वालों उपराले कर लिया ने उहदे बारे की कहना चाहते? असीं प्रशासन का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं जी एक जिहड़ा उन्होंने लॉकडाउन खोलिया जी उन्होंने कारोबार जिहड़ा हौली हौली पटरी ते आ रहा बाकी ये त्यौहार अगर सारे त्यौहार आ रहे रखड़ी है दशहरा दिवाली है इन्हें अगे अगे कारोबार बढ़ी जा रहे हूँ भी अज भी रखड़ी का त्यौहार करके मार्केट काफ़ी चहल पहल है लड़कियाँ अपने भावों वास्ते रखड़ी रुखड़ी खरीद रही है साढ़े कोई कपड़ा खरीद लिया कोई रेडीमेड खरीद लिया कोई समान खरीद लिया जिम्मे कि पिछले जो सर आप देखा कि काम बिल्कुल ही रुकन की कगार से आ गया बट कुछ हालात बदलते बदलते जोड़े ने कि तुम हूँ की जी कार्यप्रणाली है वो तो संतुष्ट हो तुम्हारे हिसाब से प्रशासन जो कर रहे हैं जो सहूलत दे रहा त्यौहारों मद्देनजर रख के वो प्रति की कहना चाहूँगा? असं सरकार का धन्यवाद करते हैं जी कि उन्होंने बड़ा अच्छी सोच के नाल लॉकडाउन खोल के त्यौहारों का बड़ा खुशियां मनाने का काम किया इन्हे कोई किसी को कोई तकलीफ नहीं लोग खुश है गए जी कोई बीमारी तो लोग हम तंग नहीं आ चुके बिल्कुल सही वो सोच रहे इनका कोई वादा घाटा है नहीं है भी जो करोना एक डरावनी चीज़ है यह कोई बीमारी का नाम नहीं करोना कोई बीमारी का नाम नहीं है एक करोना डर है जिन्हें विल पावर है उन्होंने कोई करोना ना। थैंक यू वेरी मच जी साढ़े ना असं देखा कि नाल शाम दुपट्टा हाउस के नाल बैगा का काम चलाते हैं साढ़े वीर पहले तो वेलकम भीर साढ़े चैनल से जिमें कि आप देखिए लॉकडाउन तो बाद तीसरा अनलॉकडाउन चलता तो कल तो त्यौहार ने जोड़े शुरू हो रहे हैं थोड़े हिसाब न वो जोड़ा एक बहुत माड़े हालात आप पिछले जे कटे ने तो हूँ दोबारा सरकार द्वारा जोड़े उपराले किए जा रहे हैं प्रशासन द्वारा जोड़े उपराले किए जा रहे हैं थोड़े हिसाब न किन्ने कारगर साबित हुए हैं?
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਸਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੌਣਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਡੇ ਅੱਜ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਬਟ ਤਿਉਹਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲੇ ਜਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੇਲੀ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਵਿੱਕੀ ਵਡੇਰਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸਟਾਈਲ ਇੰਪੋਰੀਅਮ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਫੇਮਸ ਇਹ ਇੰਪੋਰੀਅਮ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਟੇਲਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਊਟਲੈਟ ਸੀ, ਬਟ ਲੋਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਕਲਰ ਵੈਲਕਮ ਸਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਲਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਣਯੋਗ MLA ਸਾਹਿਬ SDM ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਇਹੀ ਦੋ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਦੇਖਿਆ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਪਟੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ? ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਡਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੋਈ ਜਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਬਲਿਕ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।